एक बार एक छोटा लड़का होता है, भगवान से मिलने जाता है। सोचता भगवान पता नहीं कहाँ मिलेंगे, कितना मुझे चलना पड़ेगा। तो एक सूट केस पैक करता है, उसमें कुछ स्नैक्स होते हैं, बिस्किट्स, सैंडविचेस, कुछ और बर्गर वगैरह खाने का सामान, और अगर हम हिंदुस्तानी तरह से देखें तो कुछ पराठे, कुछ मठरी, कुछ लड्डू, और कुछ ड्रिंक्स होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, मतलब कुछ अच्छी अच्छी मट्ठा लस्सी रख लेता है और जाता है। जा रहा होता है भगवान से मिलने के लिए, तो उसको एक बहुत बूढ़ी औरत जो कि कबूतरों को दाना चुगा रही थी और कबूतरों को देख रही थी बैठी, उसको लगता है कि औरत बहुत बूढ़ी है, थकी हुई है और भूखी भी है, वो खुद भी थक गया होता है, तो वो पहले उसको देता है कुछ खाने को और फिर खुद एक सैंडविच खाता है और मठा पीता है, उसको भी देता है मठा पीने को। जो ओल्ड लेडी होती है वो इतना प्यारा सा स्माइल देती है उसको, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो भी उसको स्माइल करता है, बहुत खुश होता है। फिर उसी के पास बैठा रहता है, शाम हो जाती है, जब टाइम हो जाता है, अंधेरा होने लगता है, तो फिर उसको भूख लगती है, अपने बैग में से निकाल कर कुछ खाता है और उस लेडी को भी देता है। और अब की बार उसके थर्मस में कुछ गर्म पानी भी था, कॉफ़ी बनाता है अपने लिए और उस माँ जी के लिए भी कॉफ़ी बनाता है और उसको भी दे देता है, खुद भी पीता है। अब की बार वो उसको इतनी प्यारी स्माइल देती है, सबसे ज़्यादा अच्छी, वो एकदम उनको हक करता है और वो भी उसको बहुत ज़ोर से हक करती हैं और चला जाता है। जब उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं घर का, कहते हैं आज तो तू बड़ा खुश है बेटा। बोला मम्मी मुझे भगवान मिले थे, मैं भगवान से मिल के आ रहा हूँ। उसकी मम्मी कहती हैं अच्छा बेटा। फिर वो औरत जब घर पहुंचती है तो उसका लड़का कहता है मम्मी आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है। बोली मुझे भगवान मिले थे आज, पर मैंने जितना सोचा था जितने वो बड़े होंगे उतने बड़े नहीं थे, वो काफ़ी यंग थे। उन्होंने बताया कि भगवान सर्वत्र हैं, जहाँ हमारा भगवत भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, वहीं हमें भगवान के दर्शन हो जाते। हम सोचते तब मिलेंगे, जब मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे भगवान, वैसे मिलेंगे, पर अगर हम भगवत भाव रखें, भगवत भाव से दें, ओम तत् सत करके दें, प्रेम से दें, बहुत अच्छे भाव से दें, तो हर जगह हमें भगवान के दर्शन होंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्रिया।